गांव माधोपुर की मेन मार्केट में बैठक का आयोजन शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के सांझे उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता की ओर से किया गया, जिसमें विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल व भाजपा के सांझे उम्मीदवार राजकुमार गुप्ता बिट्टू प्रधान उपस्थित हुए, जिन्होंने लोगों से समर्थन मिलने पर उनका धन्यवाद किया। युवा अकाली दल के प्रधान राजकुमार जी, नंबरदार शिवाज जी, सतपाल जी, महंत साहब, पप्पा जी, गुरदौर साहब और सारे ही मैं ना इस करके ले करना, मैं होर भी सारे तो लै सकना। जदों का मैं राजनीति चा पिछले 37 साल तो इस पिंड के एक एक मैंबर के नाल और एक एक परिवार के नाल मेरा संबंध है, चाहे आशा प्रधान जी ने, चाहे पठानिया साहब ने, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने मैं व्यक्ति तौर पर नहीं जानता और वो परिवार व्यक्ति, चाहे कोई भी चुनाव है, मैं ना चरणा में माधोपुर के हमेशा आया और इन्होंने हमेशा ही वो चुनाव मैंने जिताए ना, पर आज खास करके मैं अपने वास्ते मैं शिरोमणि अकाली दल बहुजन समाज पार्टी के तरफों चुनाव विधानसभा लड़ रहा, पर इन सारे ने अज तय कर लिया कि माधोपुर चाहे उपर है तो चाहे थले है तो चाहे गोला आ, एक भी वोट बाहर नहीं जा दिता जाएगा। मैं इन सारे का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। इन्होंने आप बैठक रख के मैं फोन मारिया और मैं इस बैठक च आया और मैंने पूरी उम्मीद है जो उन्होंने कहा वो पूरे भी हो रही है, क्योंकि हर परिवार का मेरा संबंध है। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने अज मैं इतने माधोपुर के बुला के मैं पूर्ण तौर पर अपना समर्थन दिता। मैं एक बार दोबारा इन्हों सारा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करना। जय हिंद, जय भारत। अज पिंड माधोपुर राजकुमार गुप्ता जी जो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के सांझे उम्मीदवार जोड़े MLA का इलैक्शन लड़े करते हैं वो आए हैं, तो पिंड वासियों का पुरजोर सहयोग इन्हों जितावे और जो भी इलेक्शन लॉस होएगा उदू पूरी हिम्मत ला के पूरी वोटा पावे, एक एक घर जाके अप्रोच करा और इन्हों वोटा पावे। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।